अरे वैसे देखो यार अखिलेश, कितना अच्छा खेती हुई है। देखो तरबूज की खेती तो बिल्कुल यार आपकी कहने वाली नहीं है। देखो दोनों हाथ में मैं तरबूज ले रखा हूँ, इनका वजन जानते हो 8-8 केजी है। 16 केजी मैंने दोनों हाथों में ले रखा है। अभी जा करके मैं अमित शाह जी को दिखाता हूँ कि हमारे खेतों में कैसे हुआ है। लेकिन तुम लोगों के खेते में छोटे छोटे तरबूज हुए हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी फसल पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि तुम लोगों के खेतों में सही से नहीं निकल रहा है तरबूज। हमारे में 5-6 ट्रक तरबूज निकला है। अब तुम ही सोचो कि इतना ज्यादा तरबूज निकला है तो कितना पैसे मैं कमा सकता हूँ। देखो बात रही मोदी जी तरबूज की, तो तरबूज हमारे भी खेतों में बहुत अच्छा निकला है, कोई इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। अब की मार मेरा 6 ट्रक बिक चुका है तरबूज, 7वां ट्रक आज लोड होगा। मैंने लोडिंग करवाने में थोड़े बहुत मजदूर लगवा दिए हैं, और मैं ये ले जा रहा हूँ सैंपल। मेरा सैंपल देखो, डिजाइन मेरे तरबूज का देखो, कोई कह नहीं सकता। ये तो तरबूज की बात अगर करो, अच्छी खेती किसमें नहीं, मैं बताई दे रहा हूँ तुमसे। खेती अच्छी नहीं हुई है लालू साहब की। लालू साहब की खेती में देखो, वो बोए थे खरबूजा, तो इसलिए खरबूजा उनका सही से नहीं हुआ है। हमारे खेतों में क्या कमी है, ये तो लालू जी के खेतों में कमी है। लालू जी के खेतों में तो कुछ नहीं हुआ है आपकी बार। अरे हमारे खेतों में बहुत हुआ है अखिलेश, क्या मजाक बना रहे हो हमारे के। मैंने खरबूजा इसीलिए बोया था कि जानवर नहीं खाएंगे, केवल इंसान के इंसान ही खाएंगे, इसलिए मैंने बो दिया था खरबूजा। और हमने 45 ट्रक अब तक मंडी में भिजवा दिया है, अब की बार 3 ट्रक आज भी लोड हो रहे हैं। तो कैसे कह सकते हो मेरे खेत में नहीं हुआ, सबसे अच्छा मेरे खेत में हुआ है। अब देखो इनके राहुल के खेतों में फूटे फूटे तरबूज पैदा हुए हैं। आप बताओ इनके खेतों में नहीं, इनके बारे में बताओ, हमारे बारे में क्यों बता रहे हो। हमारे खेत में तो बड़ा अच्छा हुआ है, कुछ कहने लायक कुछ बचा नहीं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मत बोलो कुछ भी, क्योंकि मुझे आ जाता है गुस्सा। भाई लोग वीडियो लाइक करो। अरे एक बात बताइए मोदी जी, ये जो हम ट्रे में लेके आए हैं लड्डू, क्या ये साला कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये सफेद सफेद एक एक टोकरी सिर पे लोड करा दिया अमित शाह जी ने, आखिर है क्या ये। मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है कि क्या है ये, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इतनी देर से। आखिर ये सिर पे इतना सारा लोडिंग क्या है ये सफेद सफेद। अरे हमको बोला कहाँ ले जाने के लिए बोला है, अरे इतनी दूर दिल्ली ले जाने के लिए बोला है पैदल। कब तक ले जाते रहेंगे, कब तक ले जाते रहेंगे, क्या करने को बोला कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे राहुल जी तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये तो है अंडे की खेती होती है ना, ये सफेद अंडे की खेती है, शाकाहारी, ये शाकाहारी अंडों की खेती होती है। वही हम लोगों को सिर्फ एक एक टोकरी लोड करा दिया गया है, इसको बोला है बेचने के लिए। उन्होंने कहा है मार्केट में जाओ और शाकाहारी अंडा को देखो क्या रेट में बिकता है। अभी देखो खेतों में अंडे की भी खेती होने लगी है, तुमको पता नहीं है। अरे तुमको पता ही होगी जी कि नहीं, अंडे की भी खेती हो रही है। हम तो अच्छे से अच्छा मुनाफा हम लोग कमा लेंगे, आज ज्यादा से ज्यादा पैसा आज कमाने को मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए अच्छे रेट में जाके बाजार में बेचेंगे, जो मजा आ जाए अच्छे से। अरे तुम भी मोदी जी क्या बता रहे हो, ये बताओ, ये तुम्हें बता रहे हो मजा आ जाएगा आज तो पैसे कमाने में, कहाँ से मजा आ जाएगा हमको बताओ जरा। अरे ऐसे मजा थोड़ी आ जाएगा कमाने में, तुमको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हम लोग 200 रुपये दिहाड़ी पे आए हैं अंडे बेचने के लिए। कुछ भी होना है तुम अपने मर्जी से मत बोलो कि यहाँ पे ऐसा नहीं वैसा होगा। अरे इतना महंगा अंडा बिकेगा फिर भी हमको 200 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी के हिसाब से मिलेगी। अखिलेश को लगता है नौकरी पे रखा है। अरे योगी बाबा हमरा का बता रहे हो, अरे हमको नौकरी पे क्यों रखते हो। अरे हमको भी दिहाड़ी पे रखा गया है, तुमको 200 हमको 150। इस बात की जानकारी तुम्हें भी हो जानी चाहिए, इसीलिए मैं अभी तंगी पानी वानी मैंने तो रख लिया पीने के लिए, कुछ नहीं खाना आज। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। अरे देखा ही होगी जी हमारे खेतों में बैगन, इस तरह होते हैं हमारे खेतों में बैगन। तुमने क्या बोला था कि तुम्हारे खेत में अच्छे से बैगन नहीं होंगे, तो देख लो हमारे खेत का बैगन, ऐसा बैगन तुम्हें पूरे पश्चिमी प्रदेश में नहीं मिलेंगे हमारे यहाँ। देखो अब तुम यहाँ से जितना भी बैगन ले जाना चाहते हो उतना बैगन ले जाओ। हम ये प्रियंका जी से बोलना चाहते हैं कि प्रियंका जी जितना भी ये बैगन ले, जितना बैगन इनको अच्छे से अच्छे दाम में दे दो,
और ले जाएं ये मंडी में अपना बिक्री करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो मैं यही चाहता हूँ। मोदी जी तुम्हें पसंद है तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए और बताने के बाद तुम बैगन खरीदो, जितना खरीदना है, एक ट्रक दो ट्रक जितना भी खरीदना है ले जाओ, बाजार में बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाओ। अरे वाह राहुल भैया वाह, तुम्हारे खेतों में तो बैगन बड़े खतरनाक है भैया, इसे देख करके तो मंडी में यूं ही बिक जाएंगे। बैगन बड़े अच्छे तुमने उगाया है, वैसे तुमने खेती बहुत अच्छी अपनी बार शानदार किया है, वैसे तुम्हारा थोड़ी किसान नाम है। अरे किसानों का काम बहुत अच्छा होता है मुझे पता है, लेकिन एक बात बताऊं, ये बैगन मैं ले तो जाना चाहता हूं तुम्हारे खेतों से तोड़वा करके, लेकिन प्रियंका जी आप भी सुन लो, राहुल जी आप भी सुन लो, मुझे लेना है ये एक ट्रक कम से कम दाम में बताओ, ज़्यादा दाम बताओगे तो मैं खरीद भी नहीं सकता, तो इसीलिए बता रहा हूँ अच्छे से अच्छे दाम में बताऊँ, जो कि मैं ले जा करके यहाँ से मंडी ले जाऊँ, मंडी में अच्छे दामों में बेचूँ बैगन और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस बात को। तो प्रियंका जी आप और दोनों मिलकर रेट बता दो, क्या रेट लगेंगे बैगन? अरे वाह, अरे ले लो मोदी जी, हमारे खेतों का बैगन इतना बच्चा है, देखो इधर देखो, ये बैगन है, एक एक हाथ की बैगन है, ले जाओ ने मंडी बेचो, लेकिन तुम्हें रेट बताए दे रही हूँ, रेट जो है हमारे यहाँ का, रेट हमारे यहाँ का है प्रति कुंटल 10,000 रुपये प्रति कुंटल, 100 रुपये किलो के हिसाब से, ले जाओ बेचो। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब।